हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से एजुडेल से हम अपना सारा का सारा सिलेबस देख सकते हैं, चाहे वो क्लास नाइन्थ के हों, टेंथ के हों, इलेवेंथ के हों या ट्वेल्थ क्लास के हों। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे, सर हमें सिलेबस जो है वो नहीं मिल रहा। हालांकि मैंने एक एक सिलेबस की अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप सिलेबस एएससी स्टार्टर लिखकर सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस है हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी है, ठीक है। या हाउ टू डाउनलोड सिलेबस आप ऐसे भी करेंगे तब भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर चले जाइए, तो आप DOE लिखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सर्च का बटन है ये, ठीक है। तो हम उस सर्च के बटन को प्रेस कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आप एजुडेल की साइट, आप ये ध्यान से देख लेना, ये लिखा होना चाहिए, तो क्योंकि कई बार प्राइवेट कंपनीज में भी बनाया होता है। तो ये एजुडेल पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप एजुडेल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको नीचे थोड़ा सा आना है और यहाँ पे एकेडमिक एग्जामिनेशन लिखा होगा, ठीक है, एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एकेडमिक लिखा आ रहा है। अगर आपको एग्जामिनेशन मटेरियल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, यहाँ सिलेबस आ गया, ये लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, और यहाँ पे आप वर्कशीट भी देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे सिलेबस पर। उसके बाद आप देखेंगे आप कौन सी क्लास का सिलेबस देखना चाहते हैं, नाइन्थ का, टेंथ का, इलेवेंथ का या ट्वेल्थ का। तो जो भी आप सिलेबस देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे हम इलेवन का ले लेते हैं, ठीक है, तो इलेवन का सिलेबस यहाँ पर ओपन हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, अगर वो सिलेबस हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा तो यहाँ पर उसका लिंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस ये है, बायोलॉजी का है, बिजनेस स्टडीज़ का है इंग्लिश में, ठीक है, और ये केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, ये सारे इंग्लिश में है। लेकिन हिंदी का सिलेबस हिंदी में है, होम साइंस का दोनों में अपडेट हो चुका है, ठीक है, और आप बाकी भी देख सकते हैं। ऐसे पॉलिटिकल साइंस का भी दोनों में अपडेट हो चुका है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बाकी और अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और वो जल्दी हो जाएंगे, जैसे ही होंगे मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको सिलेबस चाहिए उस पर क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे अकाउंटेंसी पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड हो गया, और यहाँ पर आराम से आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं कि आपका टर्म फर्स्ट में क्या क्या आ रहा है, टर्म सेकंड में क्या क्या आ रहा है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, आप इजीली क्लियरली ये जान सकते हैं कि क्या क्या करना है आपको, ताकि आपके जो है अच्छे से जो है मार्क्स वगैरह आ जाएँ। और क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये छोटी सी वीडियो थी, होप आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, एफर्ट लगते हैं तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।